76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके से बेनीपट्टी प्रखंड के सभी जगहों पर शान से तिरंगा लहराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी अशोक मंडल ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्री लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी में झंडा फहराया। उच्च विद्यालय के इस मैदान में हजारों की तादाद में प्रखंड के सभी जगहों से लोग आए हुए थे, जहां झंडा फहराने से पूर्व प्रशासनिक परेड के अद्भुत नज़ारे को जिस किसी ने भी देखा मंत्रमुग्ध रह गए। इस दौरान अपने अभिभाषण में अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी अशोक मंडल ने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन का 75वां वर्ष पूर्ण हुआ है और हम सभी भारतवासी इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मंच से अपील करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मतदाताओं का प्रमाणीकरण हेतु अपना आधार पहचान पत्र से लिंक कराने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 24 घंटे 112 हेल्पलाइन सेवा बेनीपट्टी में भी प्रारंभ किया है, जो पूर्ण रूप से कार्यरत है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था और विकट परिस्थितियों में 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने से तत्काल आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी। उपस्थित लोगों ने इस मौके पर तिरंगा फहराता देख काफ़ी खुशी का इजहार किया। प्रखंड कार्यालय पर प्रखंड प्रमुख स्वर्णी देवी ने स्वतंत्र फिजाओं में झंडा फहराया। हर घर फहराए जा रहे तिरंगे से भारतवासियों में एक नई ऊर्जा का संचार होता नजर आ रहा था। युवा पीढ़ी उत्साहित होकर अपने वीर योद्धाओं की शहादत को याद कर उन्हें सलामी दे रहे थे। देश की आज़ादी में वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का सुअवसर दिया है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी डॉक्टर रवि रंजन, अंचलाधिकारी बेनीपट्टी पल्लवी कुमारी गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी अरुण कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी आर के निराला, पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष बेनीपट्टी सीताराम प्रसाद, राजस्व कर्मचारी पूजा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी अरविंद कुमार, प्रखंड प्रमुख सोनी देवी, पंचायत समिति सदस्य संतोष कुमार चौधरी सहित प्रखंड के अन्य पदाधिकारियों की बड़ी तादाद के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और दूर दराज से आए हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल KGN मिथिला न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने शहर की तमाम खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए बने रहें KGN मिथिला के साथ। इस वर्ष इस ऐतिहासिक दिन के 75वें वर्ष पूर्ण हुए हैं और हम सभी भारतवासी इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मित्रों, आज बेनीपट्टी के इस लीलाधर उच्च विद्यालय के मैदान में बच्चों की उपस्थिति देखकर मन में सुकून अनुभव कर रहा हूँ। पिछले दो वर्षों से हमारे देश भी विश्व के अन्य देशों के तरह कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का दंश झेला है।